नोटबंदी के बाद से ही दिल्ली पुलिस एक के बाद एक नकली नोट बनाने और सप्लाई करने वाले लोगों को पकड़ रही है। बीते शुक्रवार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरविंद और संजीव को दिल्ली के सोनिया विहार से गिरफ्तार किया है। इनके पास से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 6 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। 6 लाख रुपए के नकली नोट सभी 100-100 के नोट हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग 100-100 के नोट को लेने और किसी को देने से पहले नोट की जांच नहीं करते। लोगों की इस बात का फायदा उठाकर ये दोनों आरोपी नकली नोटों की तस्करी करते हैं। स्पेशल सेल की जो फेक करेंसी रैकेट चलते हैं इनके खिलाफ जो मुहिम करती है उसके तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। अभी पिछले महीने ही लगभग 19.5 लाख रुपए रिकवर किए थे सेम टीम ने। कल एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर दो व्यक्ति जिसमें एक का नाम अरविंद है जो कि शामली का रहने वाला है और दूसरे का नाम संजीव विलास मुकेश है ये भी शामली का रहने वाला है, इनको सुबह लगभग 6:30 बजे सोनिया विहार के पास से अप्रेहेंड किया गया और इनकी सर्च में 6 लाख रुपए की फेक करेंसी जो कि 100-100 रुपए के नोट के फॉर्म में है वो रिकवर की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब इन दोनों से पूछताछ की तो दोनों ही आरोपियों ने कबूला कि 100-100 के ये नकली नोट दोनों आरोपी ईस्टर्न यूपी से दिल्ली लाए थे। साथ ही इन दोनों आरोपियों ने ये भी कबूला कि भारी मात्रा में नकली नोट भारत से सटे बॉर्डर से भी भारत में लाए जाते हैं। इसमें बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे राज्य भी शामिल हैं। बाकी जो ये पूरा नेटवर्क समझ में आया है वो ईस्टर्न यूपी वाले व्यक्ति द्वारा ये करेंसी नेपाल से प्रक्योर की जा रही है और नेपाल में करेंसी पाकिस्तान से पहुंच रही है। तो ये पूरी एक चेन है जिसके ऊपर स्पेशल सेल काम कर रही है और दो व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं और टोटल 6 लाख रुपए की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये भी आशंका है कि कहीं इन नकली नोटों का इस्तेमाल यूपी इलेक्शन में तो नहीं किया जाना था, क्योंकि इन दोनों ही आरोपियों ने कबूला है कि दोनों पिछले 2 से 3 महीनों में लगभग 24 बार नकली नोट की खेप को ईस्टर्न यूपी से ले चुके हैं। ये जो आदमी इसमें जो मेन है संजीव मुकेश 2 साल से कर रहा है और काफी मात्रा में बता रहा हूँ, जैसे पिछले 2-3 महीनों में तो बहुत ज्यादा इसने प्रक्योर किया है ईस्टर्न यूपी से और जो ईस्टर्न यूपी वाला व्यक्ति है वो नेपाल से प्रक्योर कितना आ गया होगा सर अब तक कितना ले आए होंगे सर? ये हर बार हर एक लॉट में 8 से 10 लाख रुपए लेके आ रहे हैं और पिछले 2-3 महीनों में 20-25 बार ये ला चुके हैं। पिछले 1 महीने से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 19 लाख रुपए तक के नकली नोट दिल्ली से बरामद कर चुकी है। स्पेशल सेल अब जहां इन दोनों से पूछताछ कर रही है तो वहीं ये भी पता कर रही है कि आखिरकार पाकिस्तान से भारी मात्रा में आने वाले नकली नोटों के पीछे कहीं ISI का हाथ तो नहीं। साथ ही स्पेशल सेल ये भी जांच कर रही है कि कहीं नकली नोटों का इस्तेमाल यूपी इलेक्शन में तो नहीं किया जा रहा। टोटल न्यूज़ के लिए दिल्ली से जतिन शर्मा की रिपोर्ट।